programming <plays> program me, आप जानते हैं कि इस ट्रांसमिशन में आज हम बात कर रहे हैं ब्रेस्ट फीडिंग के आलमी दिन के हवाले से और बेहद बहुत अहम रहनुमाई है जो ताज़ा से ले रहे हैं हमारे सेट पे साथ सेट पर एक डॉक्टर साहिबा ने भी ज्वाइन किया डॉक्टर इकरा हनीफ मैं आपको भी वेलकम करती हूँ इन शाला और इस मौजू पर मैं उम्मीद करती हूँ कि एक सैर हासिल गुफ्तू होगी दफ़ा मैं फिर आपकी आना चाहती हूँ मैं ये जानना चाहती हूँ कि रसोल्ला सल्ह वसल को दूध पिलाने के हवाले से किस से रुजू किया और वो इंतखा में वो क्या चीज़ें थी जो जहन में रखी और रखनी चाहिए कितना ख़ूबसूरत यादों का सिलसिला है कि हम दूध पिलाने के हवाले से और ब्रेस्ट फीडिंग के आलमी दिन के हवाले से दुनिया के सबसे बड़े इंसान की रजात के बारे में बात करेंगे इन जो मैं इससे पहले कहना चाहती हूँ रसोल्ला वसम की रज़ात के हवाले से रज़त के हवाले से इस्लाम इजाज़त देता है कि अगर माँ और बाप मशवरे से दूध ना पिलाना चाहें तो अपने बच्चे को किसी और से दूध पिलवा सकते हैं और दूध पिलाने की मदत जो है वो दो साल है दो साल से ज़्यादा नहीं और ये है कि जब कभी किसी की रज़ात की बात आती है तो पांच बार यानी उसने दूध पिया हो तो रजात साबित हो जाती है ये मैंने इस वजह से ही सामने रखी हैं बातें ताकि जो है वो हम रसोल्ला वसम की रज़ात के बारे में देखते हुए रजात के मामले को तफसीली तौर पर समझने के काबिल हो जाएं नबी सल्ला वम के दौर में ये रवाज था अरबों के यहाँ के वो अपने बच्चों को दूध पिलाने के लिए आ, दाया के सुपुर्द करते थे ताकि खुली फ़िज़ा में जाके के दूध पीने के काबिल भी हों और यह है कि सहराई आबो हवा की वजह से उनकी सेहत पर भी ज़्यादा अच्छा असर हो और उनकी लैंग्वेज ज़्यादा अच्छी हो जाए फ़सात बलागत के लिए भी तो अगर आप देखें तो उनका जो बेसिक ऑब्जेक्टिव होता था वो ये कि फसाहत व बलागत भी ज़हनी नश्वनुमा भी जिस्मानी नशो भी तो इस एतबार से अल्लाह की तरफ़ तय शुदा था बनुसात की आ, खातून सदा हलीमा सादिया आप अलैहि वसल्लम को दूध पिलाने के लिए मनतखब की गई और इसकी स्टोरी भी बड़ी अजीब है कि ये जब सारी ख़वातीन मिल के आईं कि किसी बच्चे को गोद ले लिया जाए तो जाहिर है कि जब रज़ाई माए दूध पिलाती थी तो उनको उसकी उजरत भी दी जाती थी तो उस दौर में ये पूरा यानि एक नेटवर्क था तो ख़ात के लिए ये बहुत अच्छा एक यानि प्रोफेशन भी था एक लिहाज से और ये मुझे लगता है बड़ा नेचुरल है यानि ह्यूमन मिल्क के मुकाबले में जो आज डब्बे की सूरत में दिया जा रहा है उसके मुकाबले में ये बहुत ही यानी नेचुरल वे है तो सईद हलीमा जब आई तो नबी अलैहि वसल्लम को जब गोद लिया तो उन्हें ये वो वक्त था जब उन्हें कोई और बच्चा नहीं मिला था और आखिरकार वो एक यतीम बच्चे को लेने के लिए रेडी हो गई ना लेने के असबाब है पीछे कि ज़ाहिर है जितना माल मिलने की तो एक बाप वाले बच्चे से हो सकती है वहाँ पर अगर बच्चे का बाप ना हो तो नेचुरली लोग उससे उसमें उस उतना इंटरेस्टेड नहीं होते थे उस दौर में लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गोद में लेने के बाद हज़ात अलीमा सादिया की आ यानी आ अपनी कैफियत में जो फ़र्क़ आया जो फ़र्क जो है वो उनके जानवरों में आया जो फ़र्क उनके ख़ानदान में आया वो बरकतें जो उन्हें नसीब हुई वो बहुत बड़ी बात है बहुत लंबी स्टोरी है इस हवाले से कि जब वो लेके चली तो रास्ते में किस तरह से उनका इतना दूध नहीं था उनका अपना भी दूध पीता बच्चा था और उसके लिए भी दूध पूरा नहीं होता था लेकिन जब आप सरसम को दूध पिलाना शुरू किया तो इतनी बरकत हुई कि उनका बच्चा भी पेट भर के दूध पीता था और ख़ुद वो भी और फिर ये कि उनके जानवरों में किस तरह बरकत आई कि जानवरों का दूध भी ज़्यादा हो गया और फिर यह है कि अहले ख़ानदान की मीशत ज़्यादा बेहतर हो गई और सब लोग उनके लिए ये हसरत करते थे कि काश इस तरह का बच्चा हमें भी नसीब होता और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस माहौल में रहने की वजह से बहुत सारी चीज़ें भी ओपन होने शुरू हो गई थी जैसे सदर का वाक़ भी वहीं पेश आया था बनुसात के हवाले से ही तो ये कि रज़ात के हवाले से ये बात भी बड़ी इम्पॉटेंट है समटाइम्स ऐसा होता है कि किसी बच्चे को दूध पिलाने के बाद ख़ानदान के मौशी हालात भी बहुत बदल जाते कि कोई ऐसा बरकत वाला बच्चा आता है जिसकी वजह से अल्लाह साल ख़ानदान भर के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे असबाव पैदा कर देते हैं इसलिए माओ को बेफ़िक्र होना चाहिए इस बात से अल्लाह सन् ने जब एक रूह भेजी है और एक बच्चा आपको दिया है तो उस बच्चे के साथ बरकतें भी अल्लाह की तरफ से ज़रूर नाजिल होती हैं अलहदिल्ला और जितने अखलास के साथ माएँ दूध पिलाती हैं उतना ही ज़्यादा अल्लाह की तरफ से रहमतें होती हैं और दूध पिलाने की वजह से यह ज़ाहिर है कि अजर साबित है कि अगर माँ उसके लिए अपना वक्त इन्वेस्ट करती है अपने यानी या या जिसम की कुतें अपने बच्चे को पिलाती है नेचुरली माँ तो खाली हो जाती है जिस वक्त वो बच्चे को दूध पिलाती है तो इसकी वजह से यानी एक रिलेशनशिप भी बिल्ट होता है लेकिन जो कुछ वो इन्वेस्ट कर रही होती है हर एक चीज़ पर उसे अजर की तवक्को होनी चाहिए और माँ की गोद जो है ना ये यहीं से शख्सियात पल बढ़ के जवान होती हैं और कौमों के ूजो जवाल का सिलसिला भी माँ के गोद से मुतलिक है नेपोलियन ने कहा था तुम मुझे अच्छी माएँ दे दो मैं तुम्हें अच्छी कौम दे दूँगा तो किसी भी कौम की परवरिश नशोनमुमा किसी कौम की तमीर के लिए माओ की तरबियत कर लें माएँ अपने बच्चों की तरबियत कर लें कौम बदल जाएगी कौम की तब्दीली तो इन्हीं के साथ है जस्ता डॉक्टर साहिबा मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि माँ और बच्चे दोनों के लिए ब्रेस्ट फीडिंग के सेहत के हवाले से क्या फ़वाद हैं हमने इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से और बहुत सारे एंगल से तो देखा लेकिन मेडिकल साइंस आज के इस बारे में बात करती है अच्छा माँ की सेहत के हवाले से देखा जाए तो माँ के अंदर सबसे पहले तो एक सेटिसफेक्शन ठीक है और एक इमोशनल बहुत ज़्यादा एक लविंग रिलेशनशिप जो होता है ना वो बच्चे से जो बॉन्डिंग क्रिएट होती है वो फीडर से वाकई नहीं हो सकती नहीं ठीक है उसके बाद अगर देखा जाए कि उसके जो बच्चे की डेवलपमेंट के ऊपर बहुत असर पड़ता है अच्छा। जो लॉन्ग टर्म अगर देखा जाए तो लॉन्ग टर्म नॉन कम्युनिकेबल डिजीज लाइक डायबिटीज हाइपर टेंशन ओबेसिटी एग्जीमा ये सारी चीज़ें जो हैं इससे बच्चा बच बच्च सकता है और अगर शॉर्ट टर्म देखा जाए तो हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा एडमिशन होते हैं डायरिया के छाती के इन्फेक्शन के और ये सारी चीज़ें जो हैं ये माँ के दूध से प्रिवेंट हो जाती हैं आप दो साल तक एक ब्रेस्ट फीडिंग दें सिक्स मंथ्स तक तो एक्सक्लूसिव देनी है मतलब सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध और कुछ मुकम्मल गज़ा सिक्स मंथ्स उसमें पानी देने की ज़रूरत नहीं है उसमें आपको घुटी ये जो होती है चवरका वगैरह ये देते हैं ये ये एज आ प्रगेटिव एक्ट करता है ऐसा मतलब इसमें जो बेबी के अंदर जितने भी टॉक्सिन होते हैं मिकोनीम होता है वो सारा पास आउट हो जाता है तो वो देने की ज़रूरत नहीं होती तो माँ का दूध इतना बेनिफिट होता है जो अगर मेटर्नल हेल्थ को दोबारा से मैं देखती हूँ तो उसमें ओवेरियन और ब्रेस्ट कैंसर इसकी मतलब रिसर्च से साबित है कि ये इसकी प्रिवेंशन हो जाती है और साथ बहुत ज़्यादा रेशियो है पाकिस्तान में डेथ्स की पीपीएच पी एच की वजह से पोस्ट पार्टम हैमरेज जो ब्लीडिंग होती है अगर माँ के दूध को अर्ली इन वन आवर स्टार्ट करा दिया जाए तो यूट्रस कॉन्ट्रैक्शन हो जाती है उससे ब्लड लॉस नहीं होता और अनिमिया ये नहीं होता यानी माँ की सेहत पे भी असर आते हैं उसके और लॉन्ग टर्म जो आप कहती हैं बच्चे, बच्चे की सेहत के पे भी, भी उसके ऊपर लेकिन बहुत सारी माए हैं जो ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान बहुत सारी मुश्किलात का सामना करती हैं ये तो है वो क्या हैं और उनसे कैसे महफूज हुआ जा सकता है सबसे पहले तो मैं जब उसादा जी की बातें सुन रही थी तो मैं ये सोच रही थी कि जब ये कुरान घर घर में पहुंचेगा ना और माँ कुरान उठाएगी और वो देखेगी तो ही वो चेंज हो सकती है वरना हमारे पास और कोई कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं है जिससे हम सोचें हम कह भी देंगे लेकिन नहीं कोई बदल सकता जब तक कोई खुद कुरान नहीं उठाएगा और पढ़ेगा जब माँ की पर्सनैलिटी चेंज होगी तो फिर माँ के अंदर चीजें चेंज होंगी इसके अलावा बाप भी इसी टाइम ही चेंज हो सकता है जब आप ब्रेस्ट फीडिंग की कंपेन्स को देखते हैं तो हमेशा बाप और माँ दोनों को दिखा के बच्चा साथ दिखाया होता है क्योंकि बाप की सपोर्ट बहुत जरूरी है जरूरी। लेकिन बाप की तरबियत कर रहा होता है वो एक माँ कर रही होती है वो जो उसकी माँ है अगर वही उसकी माँ की तरबियत भी अच्छी हुई हो कि तुमने अपनी बीवी को सपोर्ट देना है इस टाइम में उसकी खुराक का ख्याल रखना है जबकि इस चीज का ख्याल नहीं रखा जाता बिल्कुल अगर वो प्रोफेशनल है जैसे मैं प्रोफेशनली वर्क करती हूँ मेरे तीन बच्चे हैं सबसे छोटे बच्चे को मैं फीड भी करा रही हूँ तो इट्स अ वेरी डिफिकल्ट थिंग कि आपको बोन पेंस होती हैं आपको जो है खाना फौरन हजम हो जाता है उसके बाद आपको फॉरन से कुछ चाहिए होता है मल्टी वाइटमिन कैल्शियम विटामिन डी या आपने मस्त लेने होते हैं और उसकी डाइट का ख्याल बाप को रखना चाहिए कि yeah. आप उसको अंडा कीमा दूध या अपनी प्रोफेशनल ज़्यादा आप खुद करो

आर्टिफिशियल फीडिंग सबसे पहले तो एक माँ बच्चे से दू -दू, दूर हो गई ठीक है जो शुरू में उसका कोलास्ट्रम मिल्क आना था दैट इज रिच इन फैट दैट इज रिच इन प्रोटीन जिससे उसकी सेहत पे उसकी एंटीबॉडीज उसको मिलनी थी जो इन्फेक्शन से बचाना था नर्सरी में एडमिशन नहीं होना था उस बच्चे का वो सारी चीज़ें इससे जो है ना वो बच्चा था बच्चा लेकिन आर्टिफिशियल फीडिंग में ये सारी चीज़ें कुछ भी नहीं आर्टिफिशियल फीडिंग में देखा जाए तो ये एक मसनू चीज़ है आजकल हम सब वापस जा रहे हैं, back to organics रहे हैं, हैं, की तरफ आ लेकिन हम इस की तरफ नहीं तीसरा डब्बा ला चुकी हूँ उठ के इसको दूध पिलाओ मैं अब अफोर्ड नहीं कर सकती तो हम एक कॉस्ट इफेक्टिव चीज को मतलब वो इतनी उन्होंने एडवर्टाइजमेंट कर दी आर्टिफिशियल फीडिंग की कि ये तुम्हारे बच्चे की सेहत ऐसी हो जैसे

अच्छा तो चारी वो हम लोग को तो मना है लेकिन यहाँ पे जाहिर है पैसा सब कुछ है तो पैसे के लिए वो जो मिल्क कंपनीज होती हैं वो देती हैं फिर हर बंदा नीचे से डॉक्टर जब इतने अवेयर हैं और आप कहते हैं कि जी ट्रेनिंग्स भी मोटिवेट मोटिवेटेड तो, तो क्या इस, इसके ऊपर कुछ सो नहीं किया जा सकता ये जो इतना दुनिया में तो हुआ बहुत सारे केसेज हुए इन जो अल्टरनेट फीडिंग के तरीके हैं इनके ऊपर इन बड़े भी हैं हमारे जैसे ममालिक में आते -आते, जरा बात रह जाती है लोग इस चीज़ की डॉक्टर खुद नहीं करती है क्या आगे बढ़े डॉक्टर में देखती हूँ हॉस्पिटल्स ठीक है और डॉक्टर्स की इतनी कम रेशो है अगर आप डॉक्टर पेशेंट देखें रेशो आप लेबर रूम में आके आर रनिंग आवर्स

डॉक्टर्स और सारे लोग तो होते हैं ना और ये बाहमी मशवरे के साथ ही होता तो है काम कर रहे हैं दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट कि जब भी कोई ऐसा काम होता है तो वो डॉक्टर्स भी जानते हैं सब जानते हैं लेकिन वही वाली बात पावरफुल हैंड्स हैं कि बहुत सारे इश्यूज़ में जब हमने कोविड पे बहुत काम किया हॉस्पिटल्स के साथ

एक आज की सक्सेस तो मेरी ये होगी ना कि ये बच्चा माँ के दूध पे रहेगा अच्छा एक और चीज़ जो आपने बीच में एक वर्ड घुटी यूज करते करते आपने उसे रोक दिया आ, मुझे दो चीज़ों के हाले से यानी मौका अच्छा है बात हो जाए एक तो ये है कि जो बच्चे हॉस्पिटल में पैदा होते हैं उन बच्चों को तमाम बच्चों के लिए एक जैसे कानून बन गया हो कि बच्चे को नहलाना नहीं है अच्छा दूसरी बात यह है कि बच्चे को घुट्टी नहीं देनी ये दो चीजें इसके ऊपर इतना ज्यादा स्ट्रेस क्यों है कि है। इतनी रेजिस्टेंस है हॉस्पिटल्स में मैं मुझे एक हॉस्पिटल में जाने का इतफाक हुआ और फायजा इस वाक्य को ज्यादा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकती हैं बल्कि तो वो मैं चाहती हूँ तो वो हॉस्पिटल में थे नर्सरी में तो वो जो मेल नर्स होते हैं वो जिस तरह से बच्चे को फ़ौरी तौर पे ले लिया जाता है और उसको किसी ना किसी इंक्यूबेटर वगैरह में रख दिया जाता है कि नहीं जी अभी इसकी सांस ठीक नहीं है या थोड़ा सा अच्छा माशा बेबी वॉज हेल्दी तो जब हमारी ये कोशिश थी कि हम वहाँ पहुँचे और बच्चे को हर सूरत जो है ना वो पहली चीज़ घुटी दे दी जाए तो वो मेल नर्स जो था वो बार बार इस बात पर इंसिस्ट कर रहा था कि नहीं नहीं ये नहीं हो सकता घुटी नहीं देनी है बिल्कुल भी और डॉक्टर उसकी कितनी कम थी हम इज़ लाइक ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर ईयर एज का एक लड़का है तो मुझे याद है कि उस ने जो है वो इंतहाई गुस्सा किया उन्होंने कहा तुम हमें बताओगे कि बच्चे कैसे पालेंगे और डेफ़िनेटली फिर जो अमल हमने करना था वो किया लेकिन घुट्टी के बारे में आपकी मेडिकल साइंस क्या कहती है जी मैं अगर मेडिकल साइंस को देखूं तो वाकई मैंने देखा है कि वो इस चीज़ को मना कर घुट्टी जो हमें इस्लाम गाइडलाइन देता है वो घुट्टी क्या है ये भी इम्पॉर्टेंट बात है कि बहुत सारी चीज़ें दी जा रही हैं घुट्टी को तहनी कहते हैं अरबी ज़ुबान में अरबों के यहाँ ये रवाज था और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको बाकायदा तौर पर इस्टेब्लिश भी किया कि यानी कोई भी सौल शख़्स रसोल्ला के दौर में ख़ुद रसोल्लाम यानी खजूर चबा के और अच्छे तरीके से उसकी पेस्ट बना के बच्चे को उसे चटाया जाता था क्योंकि जो पहली चीज़ अंदर जाएगी तो वो ज़ाहिर है कि उस सौले शख़्स का लुआब भी होगा और नेचुरली उसके साथ यानी ये तवक्को की जाती है कि बहुत सारी खसूसियात जो हैं वो भी बच्चे के अंदर पैदा होंगी तो उसके बरकत वाला होता है और इसको जो है वो तर्क नहीं करना चाहिए सुन्नत है और ये बच्चे का हक है कि उसे अल्लाह के रसूल ससम की सुन्नत के मुताबिक ही पहली गज़ा दी जाए तो पहली गज़ा बच्चे के लिए माघ का दूध नहीं है तहनीक घुट्टी है अच्छा सही तो दूध से भी पहले घुट्टी देनी चाहिए और अगर कोई कहे कि वह वो जो दूध है वो भी घुट्टी होता है इब्तदाई तौर पर तो नो डाउट कि वो दूध जो है वो उसमें भी अल्लाह सौल्ला ने बहुत कुछ पैदा कर रखा है लेकिन यह है कि जो चीज़ सुन्नत है वो कोई जमीन वालों का मामला थोड़ी है वो अल्लाह सौ की रहनुमाई के मुताबिक है और फिर देखें दूसरी चीज है जैसे बच्चे को गुसल देना है यानी गसल को पोस्टपोन क्यों करते हैं hmm. अब गसल को पोस्टपोन करेंगे तो नेचुरली यानी माँ के पेट में जैसे बच्चा रहा तो कितना ज़्यादा चांस पैदा हो जाता है शातीन के हमलावर होने का तो सिर्फ यह तो नहीं है कि बच्चा जो है वो जब वो पैदा हो जाए तो उसको जो है वो फिज़िकली उसे क्या चीज़ चाहिए उसको देखना है उसके ऊपर कौन सी चीज़ें असरानंदाज हो रही हैं रूहानी तौर पर और इर्द गिर्द के माहौल से यानी अब साइंटिफिक रिसर्च साबित कर रही हैं बच्चा किस माहौल में पैदा हुआ किस हाथ में गया किस तरह का था, वो सब चीजें भी उसकी मेमोरी में जाती हैं वो सब चीजें भी अंदाज़, जिसने पहली बार हाथ में लिया वो एक सोले खातून के हाथ हैं या वो ऐसे हाथ हैं जो अल्लाह साल के इनकार करने वाले किसी शख्स के हाथ हैं बहरहाल फर्क तो पड़ता है तो इन चीजों से और ये कि जैसे गसल की बात हम कर रहे हैं अगरचे ये कोई हुक्म नहीं है लेकिन तहारत का जो कॉन्सेप्ट है इस्लाम में उसके लिए नेचुरली बच्चे का यानी दुनिया में आने के बाद तहारत का अमल जो है उससे उसे ज़रूर गुजारना चाहिए ये है। और इस पर बड़ा गौर करना चाहिए और, और इस को भी सर वो सर बच्चे को तो दे... वो तो मैं खुद कहती हूँ कि आप कि देखें अगर हॉस्पिटल में रहते हैं काफी रैशेज फेस के ऊपर काफी रैश होता है उस पर आप नर्सरी बच्चे को भेजते हैं लेकिन वो सिर्फ नर्सरी वाले एक ही बात कहते हैं कि आप इस बच्चे को जब घर जाके नहलाएंगे ये ठीक हो जाएगा घर जाके नहलाने का कॉन्सेप्ट सिर्फ इसलिए होता है कि एनवायरमेंट का होता है कि वो साफ सुथरा हो वहाँ के वॉशरूम्स वरना तो नहलाना तो बहुत अच्छी बात है बच्चे को नहलाने से ये तो कहीं नहीं है लेकिन ये यानी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस में ये बात आती है कि डॉक्टर्स नहलाने नहीं देते फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती है उस साथ यहाँ हम एक छोटे से ब्रेक लेना होगा इंशाल्लाह इस गुफ्तगु का सिलसिला यहीं से जारी करेंगे एक मुख्तसर से वक्फे के बाद इंशाल्लाह दोबारा हाजिर होते हैं